आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा उत्तरी एवं दक्षिणी स्वरों की तुलना। जिसने भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं, उत्तरी यानी कि जो हिंदुस्तानी संगीत के स्वर हैं और दक्षिणी यानी कि जो कर्नाटक संगीत के स्वर हैं, दोनों ही संगीत में जो स्वरों की संख्या मानी गई है वो 12 मानी गई है। उनके नामों में है जो अंतर है, आइए देखते हैं कैसे। हिंदुस्तानी संगीत में सा को षड्ज और कर्नाटकी संगीत में षड्ज के नाम से ही जाना जाता है इसको। कोमल ऋषभ को कर्नाटक संगीत में शुद्ध ऋषभ के नाम से जानते हैं। शुद्ध ऋषभ को कर्नाटक संगीत में शुद्ध गंधार या चतुश्रुति ऋषभ के नाम से जानते हैं। कोमल गंधार को हम कर्नाटक संगीत में साधारण गंधार या षटश्रुति ऋषभ के नाम से जानते हैं। शुद्ध गंधार को हम अंतर गंधार के नाम से जानते हैं। शुद्ध मध्यम को हम शुद्ध मध्यम के नाम से ही जानते हैं। तीव्र मध्यम को हम प्रति मध्यम के नाम से जानते हैं। पंचम को भी पंचम के नाम से ही जानते हैं। कोमल धैवत को हम शुद्ध धैवत के नाम से जानते हैं। शुद्ध धैवत को हम कर्नाटक शुद्ध निषाद या चतुश्रुति धैवत के नाम से जानते हैं। कोमल निषाद को हम कौशिक निषाद या षटश्रुति धैवत के नाम से जानते हैं। शुद्ध निषाद को हम काकली निषाद के नाम से जानते हैं। थैंक यू।